हाय दोस्तों, आज मैंने ब्रिटानिया का स्टॉक पे जो लाइव ट्रेडिंग किया था वो लाइव ट्रेडिंग का रिजल्ट कैसे रहा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया का 10 मिनट का कैंडल पैटर्न ओपन किया है और देखिए यहाँ पे मैंने जो 10 मिनट का जो पहला कैंडल है ये कैंडल का रेंज यहाँ पे मार्क किया है। ये था स्टेप वन। तो हमको रूल के हिसाब से स्टेप वन पे ये पहला जो 10 मिनट का कैंडल है इसका ओपन और क्लोज का रेंज को मार्क करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करना है, स्टेप टू पे हमको ये देखना है कि उसके बाद जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल ये पहला 10 मिनट का कैंडल का ऊपर जाके क्लोजिंग देता है या नीचे जाके क्लोजिंग देता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऊपर जाके ये क्लोजिंग नहीं दिया है क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था लेकिन जब क्लोजिंग हुआ देखिए इसी कैंडल के अंदर हुआ है। तो दोस्तों हमको तब तक वेट करना है जब तक ये पहला 10 मिनट का कैंडल का रेंज है, अगर वो रेंज को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग देगा तभी हमको सेल करने के लिए सोचना है, अगर इसी रेंज को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो हमको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वेट किया था और देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और देखिए ये जो कैंडल बना ये कैंडल ये पहला 10 मिनट का कैंडल का नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों ये था स्टेप टू। स्टेप टू भी अभी सेटिस्फाई हो गया कि ये 10 मिनट का कैंडल का रेंज से नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। स्टेप थ्री क्या बोल रहा है कि उसके बाद हमको ये सुपर ट्रेंड को देखना है, अगर ये इसका नीचे जाके क्लोजिंग दिया है तो सुपर ट्रेंड उसी टाइम पे रेड रहना चाहिए। ये देखिए सुपर ट्रेंड रेड भी बन गया था। तो दोस्तों ये कैंडल जो क्लोजिंग हुआ ये 5512 के आसपास ये देखिए क्लोजिंग हुआ है। तो उसके बाद ये जो सुपर ट्रेंड था ये सुपर ट्रेंड भी रेड बन गया। तो दोस्तों हमारा तीनों जो स्टेप था ये तीनों स्टेप सेटिस्फाई किया है। पहला स्टेप जो पहला 10 मिनट का कैंडल है उसका रेंज हम मार्क करके रखे हैं। दूसरा स्टेप पे ये पहला 10 मिनट का कैंडल का रेंज को ये क्रॉस करके ये देखिए यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दिया है। और तीसरा स्टेप ये था कि हमारा सुपर ट्रेंड अभी रेड हो गया। देखिए दोस्तों, ये तीनों सेटिस्फाई होने के बाद आपको इसी लेवल पे सेल करना है। तो देखिए 5510 या 11 के आसपास आपको सेल करना है। तो दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे मैंने सेल किया है, मैं 5512 पे सेल किया है। मैंने इसी लेवल पे मेरा पोजीशन एग्जीक्यूट किया था और ये 5512 पे एग्जीक्यूट हुआ। तो दोस्तों ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे 25 क्वांटिटी लिया है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि मेरा जो रिस्क रहता है वो 1500 का रिस्क रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5512 के आसपास मैंने सेल किया था और ये स्टॉप लॉस था 5580 के आसपास। तो 5580 पे मेरा स्टॉप लॉस था, 5510 के आसपास मैंने एंट्री किया था। तो देखिए यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने जब स्टॉप लॉस लगाया था मैंने उसी टाइम पे इसका डिफरेंस पे थोड़ा गड़बड़ हुआ था। मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि 60 पॉइंट का डिफरेंस है, मेरा 1500 का रिस्क था और मैंने 60 डिवाइड किया तो 25 आया था, इसीलिए मैंने इसी लेवल पे 25 क्वांटिटी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये 25 क्वांटिटी नहीं होना चाहिए था, ये अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो 25 क्वांटिटी के जगह यहाँ पे अगर 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है तो 21 क्वांटिटी के आसपास मुझे लेना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 4 क्वांटिटियाँ ज़्यादा ले लिया है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद मैंने इसी लेवल पे तो एंट्री किया और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस था। इसके बाद ये मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मैंने वेट किया। तो देखिए इसी लेवल पे ये जो सुपर ट्रेंड है ये पूरा फ्लैट हो गया था और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, फिर ऊपर की तरफ आने लगा, फिर ये 2 बजे के आसपास ये देखिए वापस नीचे की तरफ जा रहा था और ये इसी लेवल को आने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन कर रहा था। और इसके बाद देखिए ये धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो दोस्तों मैंने इसी लेवल पे चेक किया था कि ये लेवल इसके लिए सपोर्ट आ रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने चेक किया कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे देखा मैंने 4000 के ऊपर था, मेरा जो रिस्क था वो 1500 का था और ये जो प्रॉफिट था इसका ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स प्रॉफिट था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और देखिए मैंने यहाँ पे 2:50 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया और मेरा ये जो स्टॉप लॉस था 5580 पे इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो
तो दोस्तों मैंने इसी लेवल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि ये देखिए ये एक लेवल को आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा था और टाइम तब तक 3 बजे के आसपास था, इसलिए दोस्तों मैंने निकल गया। तो दोस्तों आज का ट्रेडिंग पे यहाँ पे देखिए 4390 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने हमेशा बता रहा हूँ कि आप आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो देखिए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके करते हैं तो आपका एक एक दिन पे आपका 3-4 दिन का जितना लॉस रहेगा वो सारे लॉस भर के भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास कोई मदद पहुंच रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप ये वीडियो का स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता नहीं है, मैंने उसी स्ट्रैटेजी का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है, आप फर्स्ट उसको देख लीजिए तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके आज मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। थैंक यू।